ओके गाजी अली अब्दुल्ला रफाई साहब को GORT नंबर 11 डेटेड 8/1/2014 के तहत खाजी मुकर्रर किया गया था और इनके खाजी के जो हुदूद थे शाफ़ी सेक्ट और अरब मुसलमानों की शादी परफॉर्म करने के लिए इनको खाजी मुकर्रर किया गया। कलेक्टर की रिपोर्ट को गौर करते हुए उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ने वो जियो इशू करा था, मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दूसरे ही दिन बतारीख 9/1/2014 को इनका जो अपॉइंटमेंट का जियो था उसको कैंसिल कर दिया गया। उस वो कैंसिलेशन के ख़िलाफ़ अली अब्दुल्ला रफ़ई साहब ने वो GORT नंबर 13 डेटेड 9/1/2014 जिसके तहत इनकी खजात को बर्खास्त कर दिया गया था उसको हाई कोर्ट में रिट पिटीशन नंबर 1041 ऑफ 2014 के तहत चैलेंज किया गया था। एडमिशन रिट पिटीशन हाई कोर्ट ने एडमिट की और स्टे दिया गया। हाल ही में 29 अक्टूबर 2018 के दिन फाइनल हियरिंग हुई। फाइनल हियरिंग के बाद हाई कोर्ट ने ये महसूस किया और ये फैसला दिया कि GORT नंबर 13 डेटेड 9/1/2014 जो हुकूमत ने जारी किया है वो गैरकानूनी है। इस जियो के तहत खाजी अली अब्दुल्ला रफ़ई साहब के जो हुकूक थे वो मुतासिर हुए और वो जियो के तहत प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस वायलेशन हुआ, इसलिए वो रिट पिटीशन अलाउ कर दी गई, रिट पिटीशन मंजूर हो गई और इसका इफेक्ट ये हुआ कि खाजी अली अब्दुल्ला रफ़ई साहब को की खजाअत बरकरार हो गई।